छोले हर किसी का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है और हफ्ते में एक दिन तो हम इसे बनाते ही हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले की नई मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है अमृतसरी छोले। बनाना भी आसान है और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के मज़ेदार अमृतसरी छोले की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अमृतसरी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप छोले रात भर पानी में भिगो के रखा था। तो पानी निकाल दें इसका और इसके बाद हम इसे उबाल लेंगे। तो इसे उबालने के लिए यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठा कर लें। एक बड़ी इलायची ले लें, 3 से 4 लवंग, थोड़ी सी चाय पत्ती और 2 इंच दालचीनी ले लें। इन सबको हम सूती के कपड़े में रख के और बांध देंगे और छोले के साथ प्रेशर कुकर में डाल देंगे उबलने के लिए। इससे क्या होगा ना कि जो छोले का कलर है वो डार्क आएगा और छोले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये खुला चाय पत्ती नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोले जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया मैंने, पानी डाल लें और इसके बाद आधी छोटी चम्मच नमक के साथ ये जो पोटली हमने बनाई है ये रख देंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर दें और उसके बाद 6 से 7 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं इसे। जैसे ही 7वीं सीटी लगेगी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे और उसके बाद ये जो पोटली है वो निकाल के रख दें, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे छोले को चेक कर लें, अगर ये नहीं उबला है तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, लेकिन इतनी सीटी में ही एकदम परफेक्ट पक जाती है। तो छोले हमने उबाल लिए हैं, अब हम चलते हैं गैस की तरफ जहाँ मैंने पहले से कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। तो कढ़ाई में हम 1/4 कप के करीब तेल डाल देंगे। तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें आप इसमें। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, उसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 4 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक और 3 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए डालेंगे। तो पहले यहाँ पर ये लहसुन और अदरक डाल दें इसमें, अदरक का इस्तेमाल लहसुन से ज़्यादा करें इसमें। जैसे ही अदरक और लहसुन थोड़े से पक जाएंगे हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। तो प्याज को मैंने एकदम बारीक काटा है, आप चाहिए तो पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट वाला जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा आता है, तो आप प्याज को ऐसे बारीक काट के इस्तेमाल करें। प्याज को 2 से 3 मिनट तक पक जाने दें। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। मैंने यहाँ पे तड़के में भी इस्तेमाल किया है और बाद में भी इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे पकने दें थोड़ा। तो प्याज लहसुन अदरक को हमने अच्छे से पका लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ जिससे कलर अच्छा आता है, मिला दें इसे। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप टमाटर का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी या फिर 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट के डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया है। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें और उसके बाद धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो है वो पक्के मसालों के साथ इसका अच्छा सा कलर आ गया है। तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर जीरा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा सेक के ग्राइंड कर लिया है, तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर ये कसूरी मेथी का पाउडर डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर डाल देंगे, ये इसमें ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच अनारदाना पाउडर डालेंगे। मैंने नॉर्मल अनार को धूप में सुखा के और ग्राइंड कर लिया है, उसी का ये पाउडर बनाया है। तो यहाँ पे अनारदाना पाउडर डालने के बाद 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और इसके बाद इन सबको मिला दें। पिंडी छोले या अमृतसरी छोले बनाते वक्त अनारदाना का पाउडर इंपॉर्टेंट होता है। ये रेडीमेड मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। अनार का छिलका निकाल के आप उसे धूप में सुखा लें, जब अच्छी तरह वो सूख जाए ना तब आप इसे ग्राइंड कर लें या फिर ओवन में भी आप इसे ड्राई कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे, इसे एक बार मिक्स करेंगे। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि उसके किनारों से तेल नहीं दिखने लगे और मसालों का जो कलर है वो डार्क ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम धीमा रखें यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 8 मिनट हुए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसालों के किनारों से तेल दिखने लगा है, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तब हम इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे। ये देखिए पानी मैं बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले छोले डाल देती हूँ। छोले डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें और 1 मिनट के लिए भून लें।
गैस का फ्लेम आप चाहिए तो यहाँ पे मीडियम कर दें। थोड़े से छोले को मैश कर दें ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी बने। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा छोले में मैश कर देती हूँ। ये करना ऑप्शनल है, लेकिन जब आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो इसकी वजह से ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने इतने छोले को ऐसे मैश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे और ढक के धीमी आंच पे 1 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर दें और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दें। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दें इसे। तो यहाँ पे मैंने मसालों के साथ छोले को भी थोड़ा भून लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो छोले को उबालते वक्त जो हमने पानी का इस्तेमाल किया था ना, ये वही पानी है, ये डाल देती हूँ मैं। और इसके बाद नमक डाल दें। ध्यान रहे कि छोले को उबालते वक्त नमक का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नमक का इस्तेमाल यहाँ पे हिसाब से करें या थोड़ा कम करें। मिला देंगे इसे अच्छे से। अब हम यहाँ पे 1 कप पानी डाल देंगे। हमें अभी छोले को 15 मिनट धीमी आंच पे पकाना है। तो पानी डाल देने से ना इसकी ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बराबर रहेगी, नहीं तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें और कढ़ाई को ढक के धीमी आंच पे 15 मिनट पकाएं। बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहें। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, मिला दें इसे अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो करी की जो थिकनेस है वो एकदम सही है, इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करें, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। कसूरी मेथी हमने पहले ही डाला है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस को बंद किया मैंने और इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम इस छोले के ऊपर तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए एक तड़के पैन में 2 चम्मच घी गर्म करें। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो यहाँ पे 6 लहसुन की कलियाँ मैंने ऐसे लंबाई में काटा है, 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को चीरा लगा लिया है। इन तीनों को इसमें डाल दें और अच्छे से पका लें। लहसुन अदरक को पूरा ब्राउन नहीं होने देना है, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है इसमें। जैसे ये थोड़ा सा पक जाए गैस को बंद कर दें और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ध्यान रहे कि जब घी थोड़ा ठंडा हो जाए तभी लाल मिर्च का पाउडर डालें, नहीं तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, उससे अच्छा कलर आता है। मिला दें इसे और इसके बाद ये जो तड़का है वो ऐसे ढक्कन हटा के छोले के ऊपर डाल दें। ये देखिए, तो ये हमारा तड़का जो है हमने डाल दिया है, मिला दें इसे। और तड़का डालने के बाद ना छोले से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, यकीन मानिए। आप इस तड़के वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमारा अमृतसरी छोले जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए, अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना ग्रेवी का थिकनेस। तो अब हम ले चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो सर्व करने के लिए आप इसे एक सर्विंग प्लेट में या फिर बोल में निकाल लें। आप इस अमृतसरी छोले को गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व करें या फिर पूरी के साथ, सबके साथ ये परफेक्ट जाता है। तो आप इस मज़ेदार और जायकेदार अमृतसरी छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये छोले आपको बहुत पसंद आएंगे। सर्व करने के पहले आप चाहिए तो इसके ऊपर वापस एक तड़का लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे घी डाल दें, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसके ऊपर थोड़े से हरी मिर्च के टुकड़े ऐसे रख देती हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ये इसमें ऑप्शनल है। तो आप इस छोले की मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।